फ्यूचर स्पोर्ट्स चैनल द्वारा आयोजित इंडिपेंडेंट बॉक्सिंग टूर्नामेंट की बोली अब शुरू होने जा रही है। फ्यूचर स्पोर्ट्स चैनल आईबीसी के नेमिंग राइट्स की बोली शुरू हो चुकी है और पहली बोली है 50 लाख रुपए, दूसरी बोली मैजिक साइकिल की 1 करोड़ रुपए और क्रिस्पी चिप्स ने लगाए हैं 1.5 करोड़। ये हमारी परंपरा की जीत है, खुशी मनाओ। और दोस्तों, आईबीसी नेमिंग राइट्स जाता है इम्पेरिप्योर प्रोटीन फूड फ्रॉम अमेरिका। Let's welcome them. Congratulations. वो यानी है, चल। मास्टर, आपने आज तक जो कड़वी दवा दी हमने पी, लेकिन आज की इंग्लिश दवाई हमारी तरफ से। मास्टर, ये कौन सी बड़ी फाइट थी? अरे मजा तब आएगा जब अपना भोलम इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियन बनेगा। सही बात, तभी हम बहुत बड़ा जश्न मनाएंगे और नाचेंगे। सुन, भोलम किधर गया? ए, भोलम कहाँ है? भाई मुझे नहीं पता। उसकी जीत का जश्न हो रहा है और वो है ही नहीं। मुझे तो मैच के वास्ते दिखाई नहीं पता। ऐसे मौके पर उसे यहाँ होना चाहिए। बुला के ले गया उसको। ये उन कंपनीज की डिटेल है जिन्होंने विनर भोलम पर आईबीसी में बोली लगाई थी। कुछ कंपनीज ने भोलम को ब्रांड अम्बेसडर। भोलम कहाँ है? सर, कब से इसका फोन ट्राई कर रहा हूँ मैं, पता नहीं फोन बंद करके कहाँ बैठ गया। फोन बंद है तो उसे घर से उठाकर लेकर आओ। ए, कहाँ जा रहे हो? तुम ऐसे अंदर नहीं आ सकते। कौन हो तुम? भोलम से मिलना है हमें। अरे सर, ये अपने ही आदमी है, आप जाइए, मैं देखता हूँ। भोलम कहाँ? हम उसे ही बुलाने आए हैं। तू किसी काम का नहीं। अरे उसे यहाँ होना चाहिए इस वक्त। मास्टर, भोलम वहाँ टीवी प्रोग्राम में भी नहीं है, पता नहीं कहाँ गया। कहाँ है वो मास्टर? उधर साइन करना है, पता है ना कई एग्रीमेंट साइन करने उसे। जल्दी ऑटो निकाल। ए, उठ। ए, भोलम कहाँ है? अरे वो कहीं भी हो, मुझे गया। मास्टर, भोलम के ग्लव्स, शायद वो यहीं पर था। यहाँ नहीं है वो, चल आगे ढूंढते हैं। मास्टर, अरुमुगम के आदमी भोलम को मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। ये सब क्या है? आज से मैंने बॉक्सिंग ना करने का फैसला किया है मास्टर। तुझे बड़ा बॉक्सर बनाना मेरा सपना था, इसलिए मैंने शादी भी नहीं की। अकेला फैसला कैसे ले सकता है तू? आप मुझे एक बड़ा बॉक्सर बनाना चाहते थे, मगर मैं एक बड़ा खूनी बन गया हूं मास्टर। माना कि आप लोगों को बॉक्सर बना रहे हो, लेकिन वो बॉक्सर लोगों को अनाथ बना रहे हैं और वो अनाथ बड़े होकर खूनी बन रहे हैं मास्टर। जो तुमने किया वो खून नहीं था, नॉकआउट था। अगर यही पंच मैंने रिंग के बाहर मारा होता ना, तो आज मैं एक खूनी होता। बाहर का झगड़ा हम रिंग के अंदर निपटाते हैं और रिंग के अंदर का झगड़ा बाहर आकर। पता नहीं इसकी शुरुआत किसने की, लेकिन खत्म मैं करूंगा। तुम मुझे मारने आए हो ना, चलो मारो मुझे। तुम्हारे जीते हुए रुपयों का क्या करूं मैं? मंदिर में चढ़ा दूं या फिर इन्हें कचरे के डब्बे में फेंक दूं? बोलो। इसे रख, इन रुपयों से किसी भी तरह अरुमुगम की जान बचा लो। मैं सच कह रहा हूं, मुझे माफ कर दो। सुनो, क्या भोलम 8 राउंड के लिए मान गया? मुझे नहीं लगता वो पहले राउंड के लिए भी रिंग में आएगा सर। क्या कहा? अरुमुगम को इतनी बुरी तरह मारने के बाद बहुत सेंटिमेंटल हो गया। मंदिर में जाके बॉक्सिंग ना करने की कसम खाई है उसने, सन्यास ले लिया सर। सटक गया है वो क्या? 500 करोड़ की बोली लग चुकी है, स्पॉन्सर को क्या कहोगे? अगर ये मैच नहीं हुआ ना, तो चैनल बंद हो जाएगा। सर, क्यों ना उस पर केस फाइल कर दें? नो, उसकी कीमत 10 कौड़ी की नहीं है। बंदर के खेल में कीमत बंदर की नहीं, बंदर के खेल की होती है। ए, उसे जितना रुपया चाहिए उसके मुंह पे मार। सर, उसने तो पैसे के बारे में गरीबी में भी कभी नहीं सोचा, और अब तो सन्यास ले लिया है तो पैसे से बिल्कुल नहीं टूटेगा। कौन रहता है उसके साथ? उसके 4-5 गुंडे दोस्त रहते हैं सर,
एक उसकी गर्लफ्रेंड है वो केरला वाली लड़की और एक उसके मास्टर। बात किसकी मानता है? वो बात तो किसी की नहीं मानता। कोई कमजोरी उसकी? बहुत जिद्दी है। एक काम करो। बोलिए सर। उसे कुछ और धोती और मालाएं भेज दो, इससे पहले कि वो प्रेस में स्टेटमेंट दे, हम प्रेस का बुला के स्टेटमेंट देंगे। मैच में गुरुदयाल को हराने के लिए सन्यासी बना भोलम, 48 दिन तक अंगलमा देवी की कड़ी तपस्या करके अगला ऑल इंडिया चैंपियन बनने की कसम खाई है भोलम ने। अगर हम प्रेस को कन्विंस भी कर लें तो सर क्या भरोसा कि वो फाइट करेगा? भरोसा करो, यही मंत्र है। वो भोलम सन्यासी हो गया तो क्या मैं चैनल को धार्मिक बना दूं? वो गली का गुंडा है तो मैं व्हाइट कॉलर गुंडा हूँ। वो ग्लव्स के साथ बॉक्सिंग खेलता, मैं बिना ग्लव्स के। अरे मैंने गंजे को कंघी और अंधे को चश्मा बेचा है, वो कल का लड़का मुझे डबल क्रॉस करेगा। सुन लो, ये मैच हो कर रहेगा। भोलम और गुरुदयाल, इनके बीच मैच होगा। मैच का प्रमोशन करते रहो। अगर मुझे नुकसान हुआ तो मरेगा भोलम। क्या रे, दिखता नहीं, ऐसे फेंकेगा क्या तू? गलती हो गई मुझसे, मैं नया हूँ, काम सीख रहा हूँ। ए सुन, क्यों मारा मुझे? आज के बाद इस मार्केट में दिखना नहीं चाहिए तू। तुम कौन हो ये बोलने वाले? बोलम, इन लोगों से क्यों लड़ाई कर रहे हो? मैं लड़ रहा हूँ? सेठ ने मुझे काम दिया, बस अपना काम कर रहा हूँ मैं। करोड़ों रुपए लगाकर कंपनी तुझे प्रमोट कर रही है और तू यहाँ पर चावल की बोरियां उठा रहा है। आज से ये सब बंद, तू सिर्फ गुरुदयाल के साथ बॉक्सिंग करेगा। किसने कहा? उन्होंने, हमारे बॉस ने। ए, सेठ की दुकान बंद कर। अरे अरे देखो क्या कर रहे हो, मेरी दुकान मत बंद करो, देखो धंधा चौपट हो जाएगा। ए भोलम, उस दिन स्टेज पर सबके सामने बड़ा हीरो बन रहा था और आज यहाँ लोगों के बीच मेहनत करने का ड्रामा कर रहा है। तुझे मारे बगैर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, समझा? अगर मुझे मारना चाहते हो तो मार दो मुझे, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, माफ करो मुझे। पूरे तमिलनाडु के सामने तूने मुझे स्टेज पर मारा, अब मेरे हाथों पिटते हुए तुझे पूरा इंडिया लाइव देखेगा, इसीलिए आज तुझे छोड़ रहा हूँ। साहब कान खोल कर सुन लो, सेठ ने इसे नौकरी देने की गलती की और मैंने उसकी दुकान बंद कर दी। इस मार्केट में कोई भी भोलम को 10 रुपए की कुली की नौकरी भी नहीं देगा, ये बात अपने भेजे में डाल लो। अगर मुझे पता चला कि किसी ने इसे नौकरी दी तो पूरा मार्केट बंद करवा दूंगा। चल गाड़ी निकाल। एक ही मुक्के में अपने दुश्मन को पराजित कर दिया, एक ही थप्पड़ में ऑल इंडिया बॉक्सिंग चैंपियन के होश उड़ा दिए। बदले की आग में है उत्तर भारत और जीत की प्रतिज्ञा लेकर कड़ी तपस्या करता हुआ दक्षिण भारत। भारत का शक्तिशाली कौन जल्द आ रहा है आपके फेवरेट FSC चैनल पर 24 अगस्त। तुम्हारा यहाँ रहना सेफ नहीं है, दयाल और चैनल वाले तुम्हें लगातार परेशान करते रहेंगे। तुम जाकर मेरी कॉलेज की कैंटीन में रहो, कॉलेज चेन्नई से दूर है और शांत भी है, वहाँ तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस गले पर बैठ जाओ और तुम्हारा आराम से टाइम पास हो जाएगा। यार डिस्टर्ब करने कौन आ गया रे? अरे लगता है कोई नया जोकर आया। पीने भी नहीं देते यार। देख के लग रहा है कोई नया मुर्गा है। यही है भूपति, BA पॉलिटिकल साइंस फाइनल ईयर, एक नंबर का गुंडा है। इसका बाप पॉलिटिशियन है, पूरा कॉलेज इससे डरता है। कॉलेज स्पोर्ट्स डे आ रहा है तो हम कैंटीन फिर से शुरू कर रहे हैं, आदमियों की कमी थी इसलिए इसे नौकरी पर रख लिया। खाना भी बहुत अच्छा बनाता है। ऐसा क्या सुना तूने? आज से अपना बाहर का चखना बंद, अब हमें ये पंडित खिलाएगा। अच्छा पंडित जी, नाम तो बता दो। भोलम। भोलम मतलब भुलक्कड़ है। तेरा भोला भाला थोपड़ा देखकर ही तेरे माँ बाप ने तेरा नाम भोलम रखा होगा। हाँ ए, सुनो सब लोग, इसमें कुछ तो है झोलम, क्योंकि नाम है भोलम। वो से पता है और क्या होता है, भूसा। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। यार तेरे को बोला था दारू कम पड़ेगी, एक्स्ट्रा लानी चाहिए थी ना। सॉरी भाई, नेक्स्ट टाइम देखेंगे।